दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर पुलिस ने लूट की एक ऐसी वारदात को हल करने में सफलता हासिल की है जिसमें कि शिकायतकर्ता ही आरोपी निकला। दरअसल जसपिंदर सिंह नाम का एक युवक अमृतसर की एक फाइनेंस कंपनी में पैसा एकत्रित करने का काम करता था। वह हर रोज तकरीबन 2 लाख रुपए की राशि एकत्रित करके अपने दफ्तर में जमा करवाता था। लेकिन बीती रात उसने अपने दो साथियों के साथ एक साजिश रची जिसके चलते उसने दोनों साथियों के साथ मिलकर अपने आप को लूट का पीड़ित बना, खुद की पिटाई करवा लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इन नौजवानों की साजिश पुलिस के आगे उस समय बेनकाब हो गई जब पुलिस को इन युवकों की शिकायत पर शक हुआ और जब पुलिस ने इन सब से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद तीनों युवकों ने सच उगल दिया। तीनों आरोपियों की पहचान अमनदीप, राहुल और जसपिंदर सिंह के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल अमृतसर सिविल लाइन पुलिस ने एक जो गिरोह पकड़ा हुआ है कि खो करने का एक नाटक रचा के इन्होंने 1.5 लाख रुपए की ठगी मारी हुई है। संदीप बेदी एक जो फाइनेंस का काम करते हैं उनके अंडर जो काम करने वाले लड़के जसपिंदर सिंह, अमन और राहुल, इन्होंने एक प्लान रचा के पैसे हड़पने के लिए एक प्लान बनाया। उसके मुताबिक रंजीत एवेन्यू डी ब्लॉक में 4 लड़कों ने उनको घेर के पैसे खोले, ऐसी कंप्लेंट सिविल लाइन पुलिस स्टेशन को की थी। जब सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने मौके पे जाके और उनकी पूछताछ करने के बाद पता चला कि इन्होंने ही अपने यार दोस्तों के साथ मिलके ये झूठी खो की कंप्लेंट पुलिस को की है। और हमने उनके एक दोस्त गोलू विक्रम सिंह उसको भी पकड़ लिया है और पैसे भी रिकवर कर लिए। इनमें से एक राहुल धीमान, एक ग्रेजुएट हुआ लड़का है और काफ़ी पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन ऐसे काम में उन्होंने जो ये वारदात की है एक झूठी साजिश रच के, वो एक बुरी बात है। झूठी चोटें भी लेके आए कि हमें चोट लगाई और हमसे लूट खो करके लेके गए, बट जब उनकी अच्छी तरह से पूछताछ की गई, मौका देखा गया, तो पता चल गया कि ये झूठ बोल।